वक्त मैं मौजूद हूँ TLP के कैंप में, जहाँ पर तहरीक लबैक के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और अपने वोटर्स को गाइड कर रहे हैं। और पोलिंग का अमल यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि पोलिंग का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। हम पिछले 20 मिनट से यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पे मौजूद थे, खवातीन का पोलिंग स्टेशन था, वहाँ पर पिछले 20 मिनट में सिर्फ एक वोट पोल हुआ है। इसकी वजह समझ नहीं आई कि लोग घरों से नहीं निकल रहे, या अभी हो सकता है कि छुट्टी का दिन भी है, लोग देर से घरों से निकलेंगे। तो इस वक्त तहरीक लबैक के कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से, ये क्या कहते हैं जी पोलिंग का अमल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे जी, आज पूरा उम्मीद है तमाम लोग अपने अपने वोटर सपोर्टर्स के लिए, तो क्या कहेंगे जी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जो है ना जी, इस टाइम यहाँ पर जो काम चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हम बैठे हुए हैं यहाँ पर और इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा। और मैं गुजारिश करता हूँ कि मिलाद शरीफ का महीना है, और मैं ये गुजारिश करता हूँ सबसे कि मिलाद शरीफ का महीना है और हमारी जो है ना, हमारा साथ दें, तहरीक लबैक को वोट जो है ना वो कास्ट करें और हमारा साथ दें, दीन को तख्त पे लाएं, हमारा साथ दें। अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाएगा इंशाल्लाह। तहरीक लबैक जो है ना उनका साथ दें, बाकी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है सर। क्या समझते हैं, पोलिंग का अमल बहुत सुस्त रवि का शिकार है, बहुत कम वोटर्स देख रहे हैं हम, काफ़ी देर से खड़े हैं इधर, लेकिन बहुत थोड़े वोट कास्ट हो रहे हैं। सर इंशाल्लाह लोग आस्ता आस्ता आ रहे हैं तो इंशाल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह जी। इस वक्त मैं तहरीक इंसाफ के कैंप में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी वोटर्स और सपोर्टर्स जहाँ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं पोलिंग के हवाले से, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब। क्या समझते हैं जी, पोलिंग थोड़ी सुस्त रवि का शिकार है लग रही है, थोड़े लोग निकल रहे हैं घरों से, क्या वजह है? बाद में लोग निकलेंगे या अभी तक इस दफ़ा टर्न ओवर कम? इंशाल्लाह जैसे पहले होता है ऐसे होगा, और हमेशा यही तरतीब है यहाँ की कि जो आदमी आते हैं वो 10 और 11 के दरमियान शुरू होते हैं आना, पहले इक्का दुक्का आता है, इसके बाद मतवातर लगातार आते हैं। और इंशाल्लाह सब पोलिंग ठीक ठाक चल रहे हैं, इंतहाई अच्छी वोटिंग हो रही है, जैसे पहले होती थी इसी तरह आज भी होगी, और इससे बढ़कर इंशाल्लाह आज वोटर निकलेंगे जी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बड़े पुरमन तरीके से पोलिंग जा रही है। सिक्योरिटी की जहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस की बारी नफरी चाको चौबंद दस्ते जो है पुलिस के और रेंजर्स के भी तैनात हैं, किसी भी खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त पुलिस और रेंजर की नफरी तैनात है और मुकम्मल तौर पर चौकस खड़े हैं, और अभी तक पुरमन अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग पुरमन तरीके से जारी है। मुस्लिम लीग नून का कैंप भी साथ ही है, हम वहाँ भी चल के वहाँ के बेलात देखते हैं। क्या कहेंगे जी, पोलिंग का अमल कैसा देख रहे हैं और अपने उम्मीदवार की जीत को कैसा देख रहे हैं? इंशाल्लाह पोलिंग तो बहुत अच्छे माहौल में हो रही है, और इंशाल्लाह उम्मीदवार जीते जा रहे हैं, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के साथ है और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे जी। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम जिक्र करें कि इस बार जो ज़मीनी इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग बड़े पुरमन तरीके से हो रही है, और सिक्योरिटी के वाले से भी हमने पहले आपको बताया कि बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं। टर्नओवर थोड़ा कम है क्योंकि लोग जो है वो घरों से नहीं निकल रहे, अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पोलिंग का अमल कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन सुबह से पोलिंग का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इंशाल्लाह हम अदालत न्यूज़ की स्क्रीन पे आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए अदालत न्यूज़। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नासर।